हेलो एवरीवन, मैं हूं आनंद मेहता और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईटीसी लिमिटेड के बारे में। वीडियो पे जानेंगे सब कुछ, इसके फाइनेंशियल्स को समझेंगे, साथ ही बिजनेस को पूरा समझने का प्रयास करेंगे और साथ में ही डिस्कस करेंगे क्या अभी इस टाइम पे बाइंग के मौके बन रहे हैं कि नहीं। तो जानेंगे डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट चल रहा है बाजार में, क्योंकि खबरें जो है डिविडेंड को लेकर बहुत ज़्यादा खबरें मार्केट में चल रही है। तो जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन बीट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आईटीसी के बिजनेस के बारे में बात करें तो फार्मा इसमें ये एफएमसीजी से लेकर के टबाको बिजनेस, होटल बिजनेस, हर सेक्टर में ये कंपनी है और बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी। अगर मैं इसके ब्रांड्स की बात करूँ तो ब्रांड्स आप देखोगे तो कितनी ज़्यादा ब्रांड्स हैं इनके, कितनी ज़्यादा ब्रांड्स, आशीर्वाद आटा से लेकर के ये इनके कुरकुरे चिप्स वगैरह है और इनके बहुत सारे ड्रिंक्स वगैरह है, बहुत सारे प्रोडक्ट कह सकते हैं। टबाको बिजनेस में अगर इंडिया की बात करें तो 10 में से 8 सिगरेट जो है वो आईटीसी के लोग कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे अगर मैं आज का इसका चार्ट देखूँ कि जो आज इसका चार्ट है तो बीते दिन जब इसका लास्ट ट्रेडिंग था 0.57% की तेजी गिरावट थी इसमें, पिछले 5 दिनों की बात करें 1.94% की गिरावट थी, पिछले 1 महीने में बात करें 2.68% की तेजी है। लेकिन इस बीच जो चार्ट है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, 436 रुपये का लो था और जो हाई बनाया था 453 रुपये बनाया था। पिछले 6 महीने की बात करें 33% की बड़ी तेजी और इसके साथ डिविडेंड भी मिला हुआ है, तो डिविडेंड और इसको मिला करके निवेशकों का अच्छा खासा पैसा बना है आईटीसी में लेकर के। अब अगर मैं इस साल पूरा बात करूँ तो 33% की तेजी है, पिछले 1 साल की देखा जाए 67% की तेजी है, बड़ी तेजी आईटीसी में, बहुत बड़ी तेजी कह सकते हैं इसको, और पिछले 5 साल से देखा जाए तो 67% की तेजी है। डिविडेंड भी दिया गया यहाँ पे और बिजनेसेस में एक टाइम था जब एक रेंज में ये था, काफ़ी टाइम तक था, बट जहाँ से जब ये ऊपर गया तो एक बड़ी रैली देखने को मिली, क्योंकि एक टाइम में लोगों का मानना रह गया था कि आईटीसी में क्या हो रहा है, आईटीसी में ये आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों हुआ, क्या है, ऐसे वैसे करके एक लंबे टाइम तक एक रेंज में ट्रेड करते रहा। लेकिन वहाँ से जब बढ़ा तो बड़ी तेजी आई और अभी जो इसका ऑल टाइम हाई के आसपास ये ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आपको, ज़्यादा आसपास नहीं, 450 55 56 का ये हाई बनाया था और 445 पे भी ट्रेड कर रहा है, आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जहाँ तक आज के मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, 60 लाख से भी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसकी जो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र, तो यूज़र से पहले यहाँ पे एक न्यूज़ आ रहा है, 100% टिकट टैप के एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं। हमारी क्या रिकमेंडेशन है वो भी हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे जो न्यूज़ है आज का, जो न्यूज़ है आईटीसी एंड टीसीएस इन लीग ऑफ हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग सीएलएसए। तो ये एक ब्रोकर है सीएलएसए, उनका कहना है कि आईटीसी एंड टीसीएस जो है एक लीग में है जो हाईएस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है इन एशिया, नॉट इंडिया, इन एशिया। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर व्हेन बाइंग अ स्टॉक फोकस मोर ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन दैन द पोटेंशियल ऑफ सस्टेन डिविडेंड, दैट इज व्हाई दे शुड पे स्पेशल अटेंशन टू ब्रोकरेज कालसास लेटेस्ट एडिशन ऑफ बिट्स एंड प्राइस पीसेस। देखिए लोग जब रिटेल बंदे जब स्टॉक में डालते तो उनका यही ध्यान में रहता है कि कैपिटल ऊपर कितना जा रहा है, नीचे कितना जा रहा है, वो डिविडेंड पे ध्यान ज़्यादा नहीं देते, बट डिविडेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के लिए, वो एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है निवेशकों के लिए, तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा जो सीएलएसए कालसा ब्रोकर है उनका कहना है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इनकी डिविडेंड को लेकर के, जो डिविडेंड इन्होंने दिया हुआ है, तो डिविडेंड की मैं बात करूँ, डिविडेंड इन्होंने पे किया हुआ है 2023 में 3 बार डिविडेंड पे किया इन्होंने, पहले 6 रुपये का किया, फिर 2.75 रुपये का किया, फिर 6.75 रुपये का किया, और अभी 6 महीना और बचे और कंडीशन ठीक रहते भी ऑल टाइम हाई पे है तो और भी ज़्यादा ये डिविडेंड पे करते हुए दिखाई देगा। 2 बार लास्ट टाइम किया था 6.25 रुपये का और 5.25 रुपये का, और अभी मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बार पे करेगा आपको आने वाले टाइम में भी, 1 बार या 2 बार डिविडेंड आपको ये पक्का दे करके ही जाएगा। बोनसेस की बात करें कि 2016 में बोनसेस दिया था, उसके बाद कंडीशंस कुछ ठीक नहीं रहे, काफ़ी टाइम तक रेंज में स्टॉक ट्रेड करता रहा, उसके बाद यहाँ पे बोनसेस इशू नहीं हुए। और जहाँ तक देखिए बिजनेस को मैं कहूँ तो एक टाइम था कोविड पे जब लोग यहाँ पे बुरे आदतों को छोड़ रहे थे, वहाँ पे सांस लेने में लोगों को दिक्कत हो रहा था और कोविड को लेकर के बहुत सारे जो धूम्रपान वगैरह लोग नहीं कर रहे थे, बट जैसे जैसे ये कोविड ख़त्म हो रहा है लोग बुरी आदतों की तरफ घूमते हुए जा रहे हैं। और अगर इंडिया में बात किया जाए तो जितने सारे सिगरेट कंजप्शन हो रहे हैं 80% जो सिगरेट होते हैं वो कंजप्शन होते हैं आईटीसी के। तो एक बड़ा बिजनेस है, मोनोपोली बिजनेस है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बनता है इनका वो टबैको बिजनेस से बनता है, कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर बिजनेस
बिजनेस के सौ तरीके से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे जो बिज़नेस है वो टोबैको का बिज़नेस भले है, बट हम यहाँ पे कोई किसी फील्ड या किसी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं कर रहे, हम रेवेन्यूज़ की बात करेंगे, हम प्रॉफिट की बात करेंगे, हम इंडस्ट्री की बात करेंगे। जब ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये टोबैको बिज़नेस के साथ साथ और भी इनके बहुत सारे बिज़नेसेस एफएमसीजी सेक्टर की है और इसमें होटल बिज़नेस भी है, तो आने वाले टाइम में आपको होटल बिज़नेस भी डीमर्ज होते हुए दिखाई देगा और डीमर्ज होते हुए दिखाई देगा बाकी सेक्टर की कंपनियाँ भी। लेकिन सबसे पहले मुझे लगता है जो होटल सेक्टर की बिजनेस है इनका, वो यहाँ पे हटते हुए दिखाई देगा, डीमर्ज होते हुए दिखाई, क्योंकि संवर्धन मदरसन सोमे में भी यही हुआ था, जो इनके वायरिंग वाली कंपनी थी वो अलग हो गया था और जो कंपनी है दोनों वो भी अच्छे स्मूथली एक रन में ट्रेड हो रहा है। हालांकि जिसके पास भी संवर्धन मदरसन सोमे के शेयर थे उसको संवर्धन मदरसन वायरिंग इंडिया लिमिटेड के भी शेयर दिए गए थे। बोनसेस भी जब दोनों कंपनी अलग हुए थे तो सेम ईयर में दोनों कंपनी ने भी बोनसेस दिया था, तो आने वाले टाइम में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स बहुत ही अट्रैक्टिव है क्योंकि कंपनी ने कहीं ना कहीं प्रॉफिट तो बनाया, अगर डिविडेंड इतना खासा अच्छा दिया है तो। जहां तक मैं क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूंगा, रेवेन्यूज की पहले मैं डिस्कस करता हूं, 17,745 करोड़ का इनका रेवेन्यू था मार्च 2022 में, एक साल पहले, वहां से जून 2022 में बढ़ा था 19,831 करोड़ का हुआ, तो सितंबर में फिर घटे थे 18,608 करोड़ का हुआ, फिर दिसंबर 2022 में 19,021 करोड़ का हुआ, मार्च 2023 में 19,058 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। और जहां तक मैं क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट बढ़ रहे, हल्के हल्के थोड़े थोड़े लेकिन बढ़ रहे, और ये अच्छा साइन है। क्वार्टरली 4,195 करोड़ प्रॉफिट था मार्च 2022 में, जून 2022 में 4,390 करोड़ का हुआ, और सितंबर 2022 में 4,620 करोड़ का हुआ, दिसंबर 2022 में 5,007 करोड़ का हुआ, और मार्च 2023 में 5,175 करोड़ का हुआ। और जहां तक मैं ईयरली प्रॉफिट की बात करूं, देखिए ईयरली भी बढ़ रहे, बीच में थोड़े ऑड इवन तरीके से हुए थे, लेकिन 2021 के बाद कंसिस्टेंटली प्रॉफिट यहां बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। रेवेन्यू तो बढ़ ही रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, और शुरू से रेवेन्यू बढ़ रहा है, 49,862 करोड़ से बढ़ करके अभी 76,581 करोड़ पे हो गया। आने वाले टाइम में आपको ये और भी ऊपर जाते हुए दिखाई दे सकता है और ये कंपनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा साइन है, क्योंकि बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, मोनोपोली है बहुत ज़्यादा सेक्टर की, टोबैको बिज़नेस की मोनोपोली, होटल बिज़नेस इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, फार्मा, अगर एफएमसीजी की बात करें तो एक छोटे से छोटे प्रोडक्ट से मैं बात करूँ, छोटे से छोटे दुकान से लेकर के बड़े से बड़े मॉल में इनके प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हालाँकि इनके कुछ जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं, लेकिन हाँ कुछ प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इनके, बहुत ज़्यादा पॉपुलर। आशीर्वाद आटा की बात करें या फिर मैं बात करूँ बिंगो टेढ़े मेढ़े की, चिप्स की, इनके बिस्किट्स वगैरह की, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है बड़े मात्रा में, और ये छोटे दुकान से लेकर के बड़े मॉल्स में है, तो ये एक बढ़िया मोनोपोली देखने को मिल रहा है यहाँ पे, और एक बढ़िया मोनोपोली कह भी सकते हैं यहाँ पे इसको, तो एक बड़ी बात है। तो जहाँ तक मैं बात करूँगा इसके वैल्यूएशन की, तो जो पी रेशियो अभी देखने को मिल रहा है वो भैया पी रेशियो यहाँ पे 28.99 रुपये का पी रेशियो है, सेक्टर पी 46.64 रुपये का है, टिकट टाइप का एक एनालिस्ट के मुकाबले 91% टिकट टाइप के एनालिस्ट आपको बाइंग के रिकमेंडेशन कर रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ता कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो सेक्टर पी है उससे काफ़ी ज़्यादा कम है, और शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और जहाँ तक मैं बात करूँ प्रमोटर यहाँ पे नहीं है, प्रमोटर यहाँ पे नहीं है, और जो म्यूचुअल फंड 9.47% पे है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 32.59% है, जिसमें से इंश्योरेंस पर जो है 20.39% है, और अदर 12.20% पे। फॉरेन इंस्टीट्यूशन बड़े मात्रा में 43.32% पे, और रिटेल और अदर की मिला के बात करें तो 14.63% की स्ट्रॉन्ग होल्डिंग बन रही, जिसमें से रिटेल बंदे 11.13% और अदर पार्टीज की बात करें तो 3.50% की एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग लेकर के बैठे हुए यहाँ पे, तो ये बड़ी बात कह सकते हैं। यहाँ पे प्रमोटर भले नहीं है, लेकिन फंड हाउसेस और रिटेल का एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और एक्चुअली यहाँ पे मैं बात करूँ आगे जो फ्रेश बाइंग के मौके कहाँ पे बन रहे हैं, तो देखिए अगर मैं पिछले एक साल के चार्ट पे यहाँ पे बताऊँ तो अभी इस टाइम पे जो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और पी रेशियो भी ठीक ठाक है, यहाँ से अगर ये 430 रुपये के आसपास ये स्टॉक मिलता है आपको, तो 400, देखिए जब भी मैंने वीडियो बनाया है कि ये आपको 400 से नीचे में मिल रहा है, 400 कम पे मिल रहा है, तो आप बाइंग के मौके ढूंढ सकते हो। पिछले मैंने कई वीडियो बनाए यहाँ पे। और एक्चुअली एक चीज़ और मैं बात करूँगा कि ये जो बिज़नेस है अभी अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी मार्केट कल एक्चुअली निफ्टी प्रेशर में था, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अगर ये स्टॉक आपको 430-25-20 के आसपास मिलता है तो फ्रेश बाइंग के मौके वहाँ पे ढूंढ सकते हो, और नीचे जाता तो वहाँ पे आपको एवरेज करने चाहिए, और इस लेवल पे जहाँ मैंने लेवल बताया छोटे क्वांटिटी मेड कीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं, क्योंकि बाजार में अभी कंडीशंस ठीक नहीं है, न्यूज़ आता है यूएस को लेकर बहुत सारे खबरें हैं, तो कहीं ना कहीं अगर करेक्शंस आता है मार्केट में,
आईटीसी में करेक्शन देखने को मिलेंगे, और यही टाइम पे होता है जब अच्छे स्टॉक फंडामेंटल स्टॉक में हमें बाइंग के लिए मौके ढूंढने चाहिए। फिर अगर आपने होल्ड किया हुआ स्ट्रॉन्ग कंपनी, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, इसको आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। तो आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म में पैसे ज़्यादा बनते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और अभी मैं बात करूँ तो ये भी हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे आपका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा कम। अगर यहाँ पे करेक्शन आते हैं, फर्दर करेक्शन, तो बाइंग के मौके वहाँ पे आपको ढूंढने चाहिए। वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन भी हिट कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में से बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।